जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे क्रेजी जीके वाला यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प संवादों के साथ अद्वितीय और रोचक सामान्य ज्ञान के प्रश्नों और उनके उत्तरों की दुनिया में ले जाते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और निकले इस अद्वितीय ज्ञान की यात्रा पर। सवालों का सही उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप पहले से ही उत्तर जानते हैं तो कृपया कॉमेंट कर। आपका पहला सवाल है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महाप्रनिर्वाण प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शन है ए सारनाथ, बी बोधगया, सी वैशाली, डी कुशीनगर। इसका सही ऑप्शन है डी कुशीनगर। आपका अगला सवाल है, अंडा खाने से क्या तेजी से बढ़ता है? आपके ऑप्शन है ए वजन, बी ताकत, सी वीर्य, डी दिमाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ताकत। आपका तीसरा सवाल है, सूरज के चारों ओर कौन सी वस्तु घूमती है जिसका कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए ग्रहों, बी अंधकार, सी प्लाज्मा, डी धुआं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्लाज्मा। आपका अगला सवाल है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? आपके ऑप्शन है ए महिला सशक्तिकरण, बी गरीबी उन्मूलन, सी कौशल विकास, डी वित्तीय समावेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कौशल विकास। आपका पांचवा सवाल है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपके ऑप्शन है ए कैंसर, बी पीलिया, सी शुगर, डी याददाश्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी याददाश्त। आपका अगला सवाल है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया कौन था? आपके ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अन्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? आपके ऑप्शन है ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी सुश्रुत, डी चाणक्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पाणिनि। आपका अगला सवाल है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन है ए पणजी, बी पुणे, सी मुंबई, डी औरंगाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? आपके ऑप्शन है ए 22 मार्च 2020, बी 23 मार्च 2021, सी 25 मार्च 2019, डी 20 मार्च 2020। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 22 मार्च 2020। आपका दसवां सवाल है, कौन सा सांप सबसे विषैला माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए कोबरा, बी इंडियन क्रेसेंट, सी टाइगर, डी वाइपर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोबरा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके नीचे जो सब्सक्राइब का छोटू सा बटन है वो दबा दीजिए। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी
सेरिबेलम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेरिब्रम। आपका 12वां सवाल है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन डी, बी विटामिन सी, सी विटामिन ए, डी विटामिन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन सी। आपका अगला सवाल है, इंग्लैंड में गृहयुद्ध कितने वर्षों तक चला था? आपके ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 10 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 वर्ष। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए सहारा रेगिस्तान, बी अताकामा क्रेटर, सी वेनुस, डी कृत्रिम सूरज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अताकामा क्रेटर। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए लड्डू, बी समोसे, सी जलेबी, डी रसगुल्ले। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जलेबी। आपका 16वां सवाल है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 2015, बी 9 दिसंबर 2014, सी 2 अक्टूबर 2014, डी 26 जनवरी 2015। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2014। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा किसका है? आपके विकल्प हैं ए गुरु नानक देव जी, बी गुरु रामदास जी, सी गुरु हरगोबिंद सिंह जी, डी गुरु अर्जुन देव जी। इसका सही ऑप्शन है बी, गुरु रामदास जी। आपका अगला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई जल्दी बढ़ती है? आपके ऑप्शन है ए पालक, बी आलू, सी गाजर, डी मूली। इसका सही ऑप्शन है ए पालक। आपका आखिरी सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए वाशिंगटन डीसी में, बी जेनेवा में, सी हेग में, डी पेरिस में। इसका सही ऑप्शन है ए वाशिंगटन डीसी में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।